पूर्ण नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, भचक्र मंडल की दशम राशि मानी जाती है और शनि की आधिपत्य राशि मानी जाती है और वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रभाव मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मकर राशि वैसे तो पृथ्वी तत्वी और शनि की आधिपत्य होने की वजह से उत्साही राशि होती है, किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्साहित होकर कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। मकर राशि के जातक महत्वाकांक्षी और प्रैक्टिकल होते हैं, गंभीर होते हैं, कठिन परिश्रम करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करना इनको पड़ता है और ये करके सफलता भी अर्जित करते हैं। भाग्य पर कम विश्वास रखते हैं। मकर राशि के जातकों के अंदर कम बोलने की क्षमता होती है। बाहर से आपको ये काफी सुस्त दिखाई देंगे लेकिन मानसिक रूप से काफी ज्यादा ये चुस्त होते हैं, योजना बनाकर काफी ज्यादा कार्यों को करना जानते हैं। घर के व्यक्तियों के लिए घरेलू कार्यों के विषय में इनको चिंता रहती है, घर के लिए समर्पित होते हैं। कर्म क्षेत्र में अपना बेहतरीन समय व्यतीत करते हैं, कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, कर्म क्षेत्र के लिए काफी अपना समय व्यतीत करते हैं। कर्म करने के लिए 8-8, 10-10 घंटे लगातार बिना रुके मकर राशि के जातक काम करने के लिए सफल होते हैं, मेहनत के हमेशा जीवन में खाते हैं। तो ये सारी मकर राशि वाले जातकों के स्वभावगत खूबियां देखने के लिए मिलती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी 7.5 की तीसरी ढैया मकर राशि के ऊपर चल रही है, इसकी वजह से बहुत सारे जातकों को चिंता, निराशा और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के मनोबल और उत्साह में कमी बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल अप हो रहा है और कुछ समय के पश्चात डाउन हो रहा है। बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों को आर्थिक संकटों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं बनी हुई है और बहुत सारे जातकों को शारीरिक रूप से समस्याएं भी बनी हुई है। इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति कैसे रहने वाली है, उसके पश्चात हम आपको कुछ धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे और राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मकर राशि के स्वामी शनि बनते हैं जो तीनों महीनों में वक्री अवस्था में आपके धन भाव पर गोचर करने वाले हैं।
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में राहु और गुरु बृहस्पति आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं, जिसमें राहु अक्टूबर में अपना परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, आपके पराक्रम भाव पर चले जाएंगे। और केतु देव का भी परिवर्तन अक्टूबर में हो जाएगा, केतु आपके कर्म भाव पर अगस्त और सितंबर में रहेंगे और अक्टूबर के महीने में आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे। 17 अगस्त तक मंगल देव आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, उसके पश्चात मंगल आपके भाग्य भाव पर चले जाएंगे। अगस्त की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, और माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन तीनों महीनों में काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैसी संभावना इन तीनों महीनों में देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दशम भाव प्रभावी है और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र काफी अनुकूल स्थितियों में रहेंगे। दशम भाव पर केतु देव पूर्ण रूपण गोचर करने वाले हैं, तो यहां पर कर्म क्षेत्र में यदि मकर राशि के जातक योजना बनाकर काम करते हैं और उत्साहित होकर यदि आप कार्य करते हैं तो मनोवांछित सफलता आपको अगस्त और सितंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। ग्रही स्थितियां यह पूर्ण रूपण इशारा कर रही है कि कर्म क्षेत्र में चूंकि पिछले 5 वर्षों से 7.5 ही आपके ऊपर चल रही है, तो यहां पर आपके मन में संतुष्टि जरूर महसूस होगी। कर्म क्षेत्र में करियर के सिलसिले में आपको व्यापारिक स्थितियों में विशेष परिणाम देखने के लिए मिलेगा। सफलता आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। गुरु आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। पूर्व समयावधि में यदि आपको लगातार मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम देखने के लिए मिल रहा था, उसे आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। नई योजनाओं को फलीभूत करने के अवसर आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। शनि दूसरे भाव पर मौजूद हैं और वक्री अवस्था में हैं, तो धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देगी। लेकिन शनि वक्री हैं तो आर्थिक मामलों में खर्च आपका काफी ज्यादा अचानक बढ़ा हुआ रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। और इस समयावधि में चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर व्यय काफी ज्यादा होगा। व्यावसायिक जीवन के मामले में और विदेशों से विशेष संभावना आपके जीवन में बन रही है। मकर राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में कर्ज की वजह से परेशान हैं, उनसे भी आपको निजात देखने के लिए मिल सकती है। कर्जों से आपको विशेष निजात 17 अगस्त के पश्चात आपको दिखाई देने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, शनिदेव वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ाने वाले हैं। परिवार में आपके ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। अनुशासन और धैर्य बनाकर कुटुंबी जनों के साथ आपको चलने की विशेष आवश्यकता इन तीनों महीनों में रहने वाली है, तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को भौतिक सुखों की ओर आपका काफी झुकाव होगा। भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर कहा जा सकता है। परिवार के लिए समर्पित रहेंगे और परिवार के लिए भौतिक सुखों के अर्जन की संभावना को लेकर आगे बढ़ने में आप सफल रह सकते हैं। इन तीनों महीनों में अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति आपके लिए काफी शुभ बने हुए हैं और पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव
अगस्त के मध्य के पश्चात काफी बेहतर है। तो आपको यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मेहनत का भरपूर रिजल्ट जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है और सफलता भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इन दिनों की समयावधि में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक दबाव में अपने आप को महसूस करेंगे। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी बेहतर कहा जा सकता है। वह वैवाहिक संबंधों के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राहु और गुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों का युति अगस्त और सितंबर के महीने में बनी हुई है और गर्म ग्रह सूर्य आपके राशि में सप्तम भाव पर बुध के साथ 15 अगस्त तक गोचर कर रहे हैं। देखिए 15 अगस्त तक आपको वैवाहिक जीवन में विशेष उतार चढ़ाव मिल सकता है। चुनौतियां और आपके जीवन में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई देने वाली है। उसके पश्चात समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह में वृद्धि होने की संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए शनिदेव वक्री अवस्था में है तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और बृहस्पति राहु चौथे भाव पर मौजूद हैं तो ये मकर राशि के जातकों को शारीरिक रूप से आंखों में जलन, दर्द, इन्फेक्शन, दांतों में प्रॉब्लम और पेट जनित समस्या परेशान करने वाली है। यानी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या आपको मिल सकती है। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है और सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए मकर राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से भी पूर्ण रूपेण बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण को उपाय को बताने से पूर्व इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। शनि वक्री अवस्था में है तो कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों के अंदर आलस्य की स्थिति ज्यादा बनी हुई है, इसलिए अपने व्यर्थ के काम में व्यक्तिगत जीवन में जो भी कार्य आपने निर्धारित किया हुआ है और जितना समय के लिए जिस कार्य को आपने निर्धारित किया है उतना समय उस कार्य को देने का प्रयास आपको जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बैठाकर जरूर चलें, कुटुंबीजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। शनि आपके परिवार भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद हैं तो वाणी के द्वारा कड़वे वचन का प्रयोग मकर राशि वाले जातकों को नहीं करना चाहिए तो ये तीनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। कर्म स्थल पर और पारिवारिक जीवन में नपे तुले शब्दों का विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, मकर राशि वाले जातकों को ईमानदारी पूर्वक विशेष रूप से चलना चाहिए क्योंकि शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल ही रहा है तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए जब हम ईमानदारी को छोड़ते हैं, असत्यता और झूठ का सहारा लेते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस यानी मनोबल में भी कमी देखने के लिए मिलती है और समस्याएं भी जीवन में निर्मित होती है तो ईमानदारी और सकारात्मकता की ओर ज्यादा बढ़ने की प्रबल आवश्यकता इन दिनों में रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को जरूर जलाएं और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करें। उसके साथ साथ मकर राशि के जातकों को भगवान शंकर की आराधना करना, रुद्राभिषेक करना काफी बेहतर रहेगा।
महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए इस समयावधि में गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। इससे ग्रही जनित दुष्प्रभाव और ग्रही नकारात्मकता आपके ऊपर से पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।